स्वागत है। आज 19 अगस्त दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब एक नजर सुर्खियों पर। आज है रक्षाबंधन, जानिए इसका शुभ मुहूर्त। गंगा समेत बिहार की कई नदियां हुई दूषित, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। बिहार में 20 अगस्त से शुरू हो रहा है भूमि सर्वेक्षण, दस्तावेज तैयार रखने की अपील। लग्जरी गाड़ी के सवाल पर पंकज त्रिपाठी के जवाब ने सबको चौंकाया। बीएसएनएल ने पेश किया ये धमाकेदार प्रीपेड प्लान। इन कानों से बंद हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। क्रिकेटर सौरभ तिवारी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला आया सामने। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनसीईआरटी ने 123 पदों पर निकाली भर्ती। एनसीईआरटी द्वारा प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 123 पदों के लिए है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट ncert.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 32 पद हैं और इसके लिए मास्टर डिग्री या पीएचडी होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आज है रक्षाबंधन, जानिए इसका शुभ मुहूर्त। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। ये पर्व भाई बहन के अटूट बंधन का होता है। हर साल इसे सावन के पूर्णिमा तिथि में मनाया जाता है। ऐसे में आज रक्षाबंधन के अवसर पर पाताल लोक की भद्रा सूर्योदय से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगी। बहनें भद्रा काल में रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाती हैं, लेकिन भद्रा काल के बाद राखी के लिए 3 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। लेकिन भद्रा समाप्त होने के बाद दोपहर 1:40 से शाम के 6:25 तक रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा सकता है। ये श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त है। ध्यान रखें 8:13 से पंचक लगेगा, इसलिए इससे पहले ही ये त्यौहार मनाना उत्तम है। आपको बता दें कि ये जानकारी मीडिया खबरों के मुताबिक है। सटीक जानकारी के लिए आप संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे जहानाबाद के बारे में। ये जिला वर्ष 1986 में गया जिला में से अलग होकर बनाया गया था। यहाँ कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ दूर दूर से लोग भ्रमण के लिए आते हैं। यदि आप कभी जहानाबाद जाने की प्लानिंग बनाते हैं तो यहाँ आप कई धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों पर घूम सकते हैं। इनमें दावथू हुलासगंज, अमथुआ शरीफ, विष्णु मंदिर, कोक बराबर की गुफाएं, हजरत बीबी कमाल का मकबरा आदि शामिल है। गंगा समेत बिहार की कई नदियां हुई दूषित, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। गंगा की गिनती हम सबसे पवित्र नदियों में करते हैं। अपनी पवित्रता के लिए पूजी जाने वाली गंगा का इस्तेमाल हम नहाने और घर के कई कामों और पूजा पाठ में करते हैं। लेकिन अब बिहार में गंगा की पानी इतनी दूषित हो चुकी है कि ये नहाने लायक भी नहीं बची है। गंगा के साथ साथ बिहार की और भी कई नदियां हैं जो दूषित पाई गई हैं। इसका खुलासा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। बोर्ड द्वारा 9 अगस्त को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने नदियों के पानी की गुणवत्ता को लेकर एक रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में पाया गया कि गंगा, बागमती, दाहा, गंडक, घाघरा, कमला, कोसी सहित अधिकांश नदियों में मलमूत्र जनित फेकल कोलीफार्म बैक्टीरिया तय मानक से कई गुना अधिक है। गंगा नदी 100 ml जल से 92,000 MPN तक बैक्टीरिया है। मानक के मुताबिक 100 ml पानी में 2500 MPN से कम होने चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि नहाने योग्य पानी के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, घुलित ऑक्सीजन और पीएच की मात्रा कुछ जगहों को छोड़कर अधिकांश पर तय मानक के अनुरूप। सीएम नीतीश ने राजगीर खेल परिसर में विश्व स्तरीय खेल पुस्तकालय बनाने की घोषणा। सीएम नीतीश ने राजगीर खेल परिसर समेत 750 करोड़ की लागत से बन रही योजनाओं का निरीक्षण करने के बाद बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा के तहत कहा गया है कि राजगीर खेल परिसर में विश्व स्तरीय खेल पुस्तकालय भी बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि राजगीर खेल परिसर समेत 750 करोड़ की लागत से बन रही योजनाओं का हाल ही में नीतीश कुमार निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने इंडोर और आउटडोर स्टेडियम के कई मार्ग भागों और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्पोर्ट्स अकेडमी और निर्माणाधीन स्टेडियम का जायजा लिया। आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं को प्रशिक्षण देने की तैयारी। नव चेतना और आधारशिला पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं को देने की तैयारी है। ये प्रशिक्षण समेकित बाल विकास योजना की तरफ से दी जाएगी। इसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है। राज्य की 1.5 लाख आंगनबाड़ी सेविकाएं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगी।
ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 सितंबर से अक्टूबर तक अलग अलग बैच में चलेगा। इसके लिए 20 लोगों की मास्टर ट्रेनर टीम बनाई गई है जो अलग अलग जिलों में जाकर सेविकाओं को प्रशिक्षण देगी। इस प्रशिक्षण में इन्हें बताया जाएगा कि बच्चों के साथ बातचीत को प्रोत्साहन कैसे करें, सुनने और बोलने की क्षमता को बढ़ाने पर फोकस कैसे करें, शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा, बच्चों को खेल कूद में सिखाना, बच्चों के देखने और स्पर्श पर ध्यान केंद्रित करना, रोजमर्रा की वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना और नकल करके आवाज निकालना आदि पर फोकस रहेगा। आरबीआई से नियमों में छूट मांगने के लिए सहकारिता विभाग तैयार कर रहा प्रस्ताव। सहकारिता विभाग ने आरबीआई से नियमों में छूट मांगने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है ताकि बिहार के 234 प्रखंडों में सहकारी बैंक की शाखाएं खोली जा सके। वर्तमान में राज्य में 300 शाखाएं हैं, लेकिन 15 जिलों में केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखाएं नहीं है, जिनमें बक्सर, कैमूर, दरभंगा और मधेपुरा शामिल है। कुछ जिलों में जैसे मधेपुरा, दरभंगा और सारण सहकारी बैंकों को घाटे के कारण बंद करना पड़ा था। इन बैंकों में एनपीए की राशि भरती जा रही है जिससे उनकी वित्तीय स्थिति कमजोर हो रही है। वर्तमान में राज्य में केवल 23 केंद्रीय सहकारी बैंक शाखाएं हैं जिनकी एनपीए राशि 2019 में 9972 लाख रुपए से बढ़कर 2021 में 10150 लाख रुपए हो गई है। प्रस्ताव आरबीआई की स्वीकृति के बाद चरणबद्ध तरीके से नई शाखाओं के उद्घाटन की योजना बना रही है। बिहार में 20 अगस्त से शुरू हो रहा भूमि सर्वेक्षण, दस्तावेज तैयार करने की अपील। बिहार में 20 अगस्त 2024 से राजस्व ग्रामों में विशेष भूमि सर्वेक्षण शुरू होगा। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के 16 अंचल के 1680 ग्रामों में विशेष भूमि सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। सर्वे को लेकर 9 सितंबर तक ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा जहां विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कानूनगो और अमीन भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया और दस्तावेजों की जानकारी देंगे। भूमि मालिकों को दस्तावेज तैयार रखने और सहयोग देने की अपील की गई है। शिविर विभिन्न स्थानों पर आयोजित होंगे जैसे अभिलेखागार भवन और पंचायत सरकार भवन। सर्वे के लिए आवश्यक दस्तावेजों में जमीन की रसीद, रजिस्ट्री की कॉपी, खाता खतियान और पुरानी जमीन का नक्शा शामिल है। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है जिसने स्वघोषणा पत्र और अन्य दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन प्रक्रिया भी जिलों में शिविरों के माध्यम से चलाई जा सकती है। जमीनों के सर्वेक्षण से भूमि विवाद कम होने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। रक्षाबंधन के अवसर पर सीएम नीतीश ने बहनों को दी बधाई और शुभकामनाएं। आज पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रदेश की बहनों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं, साथ ही बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। आज मुख्यमंत्री ने प्रदेश की राजधानी पटना में चलने वाली सिटी बसों को महिलाओं के लिए फ्री कर दिया है। पटना की सिटी बसों में यात्रा करने पर महिलाओं को टिकट नहीं खरीदना होगा। ये मुफ्त यात्रा सुबह 6 बजे से रात के 9:30 बजे तक मिलेगी। व्हाट्सएप ने अपने स्टिकर फीचर में किए दिलचस्प बदलाव। व्हाट्सएप ने अपने स्टिकर फीचर में कुछ दिलचस्प बदलाव किए हैं। अब यूजर्स मेटा AI चैटबॉट का इस्तेमाल करके कस्टम स्टिकर बना सकते हैं और GIPHY के सहयोग से नया स्टिकर सर्च करना भी संभव होगा। GIPHY स्टिकर को अब व्हाट्सएप में सीधे सर्च किया जा सकता है। इसके लिए स्टिकर आइकन पर टैप करके टेक्स्ट या इमोजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्तमान में कस्टम स्टिकर मेकर एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध है जबकि आईफोन यूजर्स पहले से इसका उपयोग कर रहे हैं। ये फीचर फिलहाल अमेरिका में उपलब्ध है और अन्य देशों में टेस्टिंग चल रही है। इसके अतिरिक्त व्हाट्सएप एक नए AI फीचर पर भी काम कर रहा है जो यूजर्स को हाथों हाथ फ्री बातचीत की सुविधा प्रदान करेगा। मछली पालन के लिए किसानों को सरकार दे रही 70% तक अनुदान। बिहार में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है। आप मछली पालन के लिए घर पर तालाब या टैंक का निर्माण कर सकते हैं और सरकार से सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। बिहार तालाब निर्माण योजना के तहत अपनी जमीन पर तालाब बनाने पर सरकार 70% तक का अनुदान प्रदान करती है, विशेषकर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, जबकि अन्य वर्ग के लिए ये अनुदान 50% है। इसके अलावे चौर विकास योजना के तहत प्रति हेक्टेयर 1.60 लाख रुपए अनुदान दिया जाता है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बैकयार्ड रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम और प्लास्टिक टैंक्स के माध्यम से मछली पालन को भी प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना में महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति को 60% तक का अनुदान और अन्य वर्गों को 40% तक का अनुदान मिलता है। इन कारणों से बंद हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। कई बार कुछ कारणों से लोगों का बैंक खाता बंद हो जाता है, लेकिन बैंक खाता बंद होने के पीछे की वजह आपकी लापरवाही होती है और कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है।
यदि आप अपने बैंक खाते से 2 साल तक कोई लेन देन नहीं करते हैं तो ऐसे खाते को इनऑपरेटिव कैटेगरी में डाल दिया जाता है, जिसके बाद खाता इनएक्टिव हो जाता है। ऐसे इनऑपरेटिव खातों पर किसी तरह का कोई ब्याज नहीं लगता है। यदि आपका खाता 10 साल इनऑपरेटिव रहा तो इसमें जमा राशि शिक्षा और जागरूकता कोष में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। हालांकि ऐसा करने से पहले बैंक द्वारा आपको ये जानकारी दे दी जाएगी। लग्जरी गाड़ी के सवाल पर पंकज त्रिपाठी के जवाब ने सबको चौंकाया। बिहार से अपना संबंध रखने वाले पंकज त्रिपाठी ने अपना एक्टिंग करियर छोटे मोटे रोल के साथ शुरू किया था, लेकिन अब मिर्जापुर वेब सीरीज से लोगों के बीच चर्चा में आए और इनकी एक्टिंग के कई लोग मुरीद हो गए। अभी हाल में ये स्त्री 2 में नजर आए हैं। एक बार आपकी अदालत शो के दौरान इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई बातें की थी। इस दौरान उनसे एक लग्जरी गाड़ी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास 2 ऑटो हैं और 2 स्कूटर हैं। ज्यादातर तो वो उनसे ही घूमना पसंद करते हैं। इसके बाद पंकज कहते हैं कि इनका मतलब ये नहीं कि उनके पास लग्जरी कार नहीं है, उनके पास एक बड़ी गाड़ी भी है जो उन्होंने मजबूरी में खरीदी थी। वो गाड़ी मुझे काम के लिए लेनी पड़ी थी। दरअसल मैं जब भी छोटी गाड़ी लेकर डायरेक्टर से मिलने के लिए जाता था तो वो सोचते थे कि अरे यार, छोटे एक्टर को कास्ट कर दिया, ये तो साधारण कार से आया है। उनका ऐसा बर्ताव देखकर ही मैंने बड़ी गाड़ी लेने का फैसला किया था और उससे मैं तभी निकलता हूँ जब किसी बड़ी फिल्म के लिए जाता हूँ। जल्द बलिदानी पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों के आश्रितों को 1.5 करोड़ का मिलेगा मुआवजा। DGP RS भट्टी ने कहा है कि बिहार में बलिदानी पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों के आश्रितों को जल्द ही 1.5 करोड़ रुपए तक का मुआवजा राशि दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सिपाही को लेकर वरीय पदाधिकारियों तक की कार्य के दौरान दुर्घटना में मौत पर ये राशि दी जाएगी। इससे लेकर प्रस्ताव अभी अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव को लेकर कई बैंकों से बातचीत हुई है। आज यानी सोमवार को इसे लेकर बैठक होगी ताकि जल्द ही पुलिस कर्मियों के आश्रितों को 1.5 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जा सके। आपको बता दें कि अभी बलिदानी पुलिस कर्मियों के आश्रितों को 25 लाख रुपए की मुआवजा राशि मिलती है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे नीतू चंद्रा के बारे में। नीतू चंद्रा एक भारतीय अभिनेत्री, फिल्म निर्माता और थिएटर कलाकार है। इनका जन्म 20 जून वर्ष 1984 में बिहार के पटना में हुआ था। इनका अपना प्रोडक्शन हाउस भी है जिसका नाम चंपारण टॉकीज है। इन्होंने वर्ष 2005 में गरम मसाला फिल्म से डेब्यू किया था। इन्होंने कई तेलुगु फिल्म में अपनी अहम भूमिका निभाई है। इनकी प्रसिद्ध फिल्मों में सत्यमेव जयते, तेलुगु सिंगम 3, ओए लकी लकी ओए जैसे कई फिल्में शामिल हैं। एक फिल्म निर्माता के रूप में इन्होंने दिसवा और मिथिला मखान बनाए हैं। अपने सराहनीय कार्यों के लिए इन्होंने कई पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं। बिहार में 20 अगस्त से बारिश की संभावना, कैमूर और गोपालगंज में येलो अलर्ट जारी। बिहार में इन दिनों कमजोर मॉनसून की वजह से उमस भरी गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन एक बार फिर से 20 अगस्त से अच्छी खासी बारिश की संभावना जताई जा रही है। आज प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। वहीं कैमूर, रोहतास और गोपालगंज जिले में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है। आर्थिक रूप से कमजोर कहे जाने वाले बिहार में बढ़ी निवेशकों की संख्या। आर्थिक रूप से कमजोर कहे जाने वाले बिहार समेत कई हिंदी भाषी राज्यों में शेयर निवेशकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। बीते 4 साल में बिहार में शेयर निवेशक 4 गुना बढ़े हैं, तो वहीं म्यूचुअल फंड वाले 3 गुना, तो सोने की खरीद में 89% तक की वृद्धि देखने को मिली है। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि इन राज्यों में लोगों की औसत आमदनी निवेश के अनुरूप में कम बढ़ी है। डेटा थिंक टैंक प्राइस के मुताबिक जो राज्य पीछे थे वहीं तेजी से विकास कर रहे हैं। यहाँ बूम टाउन विकसित हो रहा है। बूम टाउन वाले शहरों में पटना के साथ साथ जयपुर, कोटा, इंदौर, भोपाल और लखनऊ जैसे और भी कई शहर शामिल हैं। बिहार के सागर कुमार ने बंगाल वॉरियर्स में बनाई जगह। बिहार के सागर कुमार ने प्रो कबड्डी लीग के अगले सीजन के लिए बंगाल वॉरियर्स की टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है। उन्हें नीलामी के दौरान 13 लाख रुपए में खरीदा गया है। पटना जिले के बख्तियारपुर प्रखंड के छोटे गांव रूपस से मरवाही से आने वाले सागर ने कठिन संघर्ष के बाद इस मुकाम को हासिल किया है। उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से जूनियर विश्व कप और राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप में सफलता प्राप्त की है। वर्तमान में सागर गांधीनगर गुजरात में कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनकी इस उपलब्धि पर बिहार के मुख्यमंत्री के सलाहकार अंजनी कुमार सिंह और बिहार राज्य कबड्डी संघ के पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई दी है। केंद्र
सरकार ने बिहार के इन दो जिलों में SEZ को दी मंजूरी। रोजगार उद्योग के बढ़ेंगे अवसर। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के दो जिलों में मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ को मंजूरी दे दी गई है। इसका निर्माण बिहार के चंपारण जिले के कुमारबाग और बक्सर के नवानगर में होने वाला है। ये बिहार का पहला SEZ होगा। इससे प्रदेश में निवेश के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। इसकी जानकारी उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने दी है। उन्होंने कहा है कि इन दोनों जगहों पर बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी BRDA की तरफ से जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का आभार भी जताया है। अब आरा और मोकामा के लोग भी ले सकेंगे मरीन ड्राइव का मजा। पटना के पूरब में मोकामा के राजेंद्र सेतु और पश्चिम में आरा के वीर कुंवर सिंह सेतु तक जेपी गंगा पथ को जोड़ने की योजना पर बात चल रही है। इस योजना से जेपी गंगा सेतु की कुल लंबाई 146.5 किलोमीटर हो जाएगी। देघा से कोइलवर तक 36 किलोमीटर एलिवेटेड रोड और बांध पर सड़क बनेगी, जबकि दीदारगंज से बख्तियारपुर होते हुए मोकामा तक 87 किलोमीटर एलिवेटेड रोड का निर्माण होगा। नई सड़क पर करीब 40,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस परियोजना से यात्रा सुगम होगी और आरा से मोकामा तक लोग मरीन ड्राइव का आनंद ले सकेंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक में बिहटा एयरपोर्ट के लिए आवंटित हुई राशि। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक में बिहटा एयरपोर्ट के विकास के लिए राशि आवंटित हुई है। दरअसल बैठक के दौरान एयरपोर्ट विकास के लिए 1413 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत राशि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस एयरपोर्ट का निर्माण भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण करने वाला है। इसके निर्माण से 116 किलोमीटर के दायरे में 3 एयरपोर्ट होंगे, जिससे पटना एयरपोर्ट और बिहटा के अलावे राजगीर में प्रस्तावित एयरपोर्ट शामिल है। केंद्र सरकार की इस सहायता के लिए जदयू के नेता और सांसद संजय झा ने प्रसन्नता जाहिर की है और पीएम मोदी को उसके लिए धन्यवाद कहा है। इग्नू में नामांकन की बढ़ी अंतिम तारीख। इग्नू में नामांकन की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब इच्छुक छात्र 31 अगस्त तक इग्नू में दाखिला ले सकते हैं। आपको बता दें कि जुलाई 2024 सत्र के लिए कई बच्चे ऐसे हैं जो किन्हीं कारणों से अभी तक दाखिला नहीं ले पाए हैं, लेकिन अब ये 31 अगस्त तक इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignoo.samarth.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अभिलाष नायक ने बताया है कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जा रहे BA BSc BCom के विभिन्न स्नातक परास्नातक डिप्लोमा PG डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के 300 से अधिक कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। पटना सेंटर पर 253 से अधिक कोर्स संचालित किए जा रहे हैं, वहीं 43 ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध हैं। BSNL ने पेश किया ये धमाकेदार प्रीपेड प्लान। BSNL ने 997 रुपए का एक प्रीपेड प्लान पेश किया है जो 160 दिनों की लंबी वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में प्रतिदिन 2 GB डेटा, 100 SMS और किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग शामिल है। इसके अलावा यूजर्स को देश भर में मुफ्त रोमिंग और BSNL की वैल्यू एडेड सेवाएं जैसे हार्डी गेम्स, जिंग म्यूजिक और BSNL ट्यून्स का लाभ भी मिलेगा। इसके साथ ही BSNL 15 अक्टूबर को अपनी 4G सेवाओं की लॉन्चिंग करने की घोषणा कर सकती है। वर्तमान में कंपनी ने लगभग 25,000 साइट्स स्थापित किए हैं और कई सर्कल में 4G ट्रायल सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली और मुंबई में भी 4G सेवा देने की योजना है। क्रिकेटर सौरभ तिवारी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला आया सामने। क्रिकेटर सौरभ तिवारी के फर्जी FB अकाउंट से धोखाधड़ी का मामला संज्ञान में आया है। इस मामले को लेकर बिष्टुपुर थाना में सौरभ तिवारी ने शिकायत दर्ज करवाई है। इस दौरान सौरभ तिवारी ने जानकारी दी है कि उनके नाम और फोटो का प्रयोग कर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया गया है, जिसमें 7 अगस्त को एक पोस्ट किया गया है कि मोबाइल नंबर 7290829790 में उत्तर प्रदेश T20 लीग और कर्नाटक प्रीमियर लीग 2024 में अगर कोई भी खिलाड़ी खेलना चाह रहे हैं तो इस नंबर पर कॉल करके बात कर ले। आगे उन्होंने बताया कि इसके बाद दूसरा पोस्ट नेशनल क्रिकेट अकेडमी के नाम से डाला गया था। इसमें पंजीयन के लिए 499 और 999 रुपए की मांग की जा रही है और जालसाजी है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए शिकायत दर्ज कर ली है और जाँच शुरू कर दी है। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला 1 रुपए का सिक्का ढाला था। आज के दिन वर्ष 1944 में भारत से जापान की अंतिम सैन्य टुकड़ी को खदेड़ा गया था। आज के दिन वर्ष 1949 में भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी बनी थी। आज के दिन वर्ष 1999 में भारत की परमाणु नीति मसौदे से नाराज G8 ने सभी तरह की मदद पर रोक लगाने की घोषणा की थी। आज के दिन वर्ष 2008 में भारत पाक व्यापार संबंधी रिपोर्ट जारी हुआ था। आज के दिन वर्ष 1887 में ऐसे सत्यमूर्ति का जन्म हुआ था। ये एक भारतीय क्रांतिकारी थे। आज
आज के दिन वर्ष 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसको जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में पारसी नव वर्ष नवरोज कब मनाया गया है? ऑप्शन है 11 अगस्त, ऑप्शन बी है 16 अगस्त, ऑप्शन सी है 17 अगस्त, ऑप्शन डी है 10 अगस्त। इसका सही उत्तर है 16 अगस्त। हाल ही में किसने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? ऑप्शन है यूनेस्को, ऑप्शन बी है WHO, ऑप्शन सी है IMF, ऑप्शन डी है यूनिसेफ। इसका सही उत्तर है WHO। हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? ऑप्शन ए है IGI दिल्ली एयरपोर्ट, ऑप्शन बी है मुंबई एयरपोर्ट, ऑप्शन सी है बेंगलोर एयरपोर्ट, ऑप्शन डी है चेन्नई एयरपोर्ट। इसका सही उत्तर है IGI दिल्ली एयरपोर्ट। गंगा कार्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 14 जून 1980 को, ऑप्शन बी है 14 जून 1982 को, ऑप्शन सी है 14 जून 1986 को, ऑप्शन डी है 14 जून 1988 को। इसका सही उत्तर है 14 जून 1986 को। बिहार का सर्वश्रेष्ठ खेल संगठन कौन सा है? ऑप्शन ए है बिहार क्रिकेट संघ, ऑप्शन बी है बिहार ओलंपिक संघ, ऑप्शन सी है बिहार फुटबॉल संघ, ऑप्शन डी है बिहार हॉकी संघ। इसका सही उत्तर है बिहार ओलंपिक संघ। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है रविंद्र पासवान, सादुल्ला पालवी, संजय पांडे, छोटू रजक, सदनंद यादव, संतू शर्मा, करण राज, रवि कुमार राम, मोतीलाल कुमार, संजीत कुमार, अतीक खान, रामनवमी मांझी, रिंकी कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज रक्षाबंधन का त्यौहार आप कैसे मना रहे हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।